काट रही है इतना इतना जीते नहीं सरिया में। हाँ इतना इसका क्या करेंगे, फेंकेगा नहीं, इसका बन जाएगा वो सब्जी बनता हाँ, है इसका सब्जी बनेगा। अब बाल कटवाने जाना है तो बाल तो यहीं काटते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, एंड आज हम जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए। बाल चप्पल मेरा कहाँ है, चप्पल तो है ही नहीं यहाँ यार, चप्पल किसी ने लेके चला गया मेरा। चप्पल कौन पहन के चला गया। बाल बहुत बड़ा हो चुका है मेरा, अब इसको थोड़ा कटिंग करा लेना है ताकि सही लगे देखने में, क्योंकि ठंड भी अब ख़त्म हो चुका है। चप्पल देखो, खाली पैर मैं जा रहा हूँ नीचे, चप्पल मेरा किस लग रहा है अंकल या पापा पहनकर नीचे खड़े हुए हैं, वहाँ हैं सभी। अभी देखो क्या हो रहा है, जो मैंने बोला था गार्डन तैयार हो रहा है एक तरह से। अभी चप्पल पहन कर जाएंगे, बाल कटिंग कराएंगे, और अभी आज का बहुत सारा काम फिक्स किया हुआ है, अब उसको काम करना है फिर जाना है। ये तो सैंडल मैंने पहन लिया है अपना, मिल गया मेरा सैंडल, बाहर ही मिल गया क्योंकि आंटी बाहर ही सैंडल कर दी थी। अब बाल कटवाने जाना है तो बाल तो यहीं काटते हैं, बगल में ही है, ज़्यादा दूर जाना नहीं है, है ना। अब लगभग धूप भी अच्छा करने लगा है यार, अब तो लग रहा है हाफ टी शर्ट पहन कर घूमना पड़ेगा। इधर इस साइड तो ठंड कुछ नहीं है, लेकिन दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड सुनने को आ रहा है, उधर तो है। अब इधर इतना क्यों नहीं है ये तो पता नहीं मुझे। फाइनली बाल कट गया, बाल कटने के बाद अब जाना नहाने के लिए, और लग रहा है बाल ज़्यादा छोटा कर दिया मेरा, है ना। चलो फिर भी जो भी है बढ़िया है, ज़्यादा अच्छा नहीं, अच्छा ही लग रहा है वैसे। अब नहाने के बाद अपना काम के लिए निकलेंगे, जो अपना काम है। तो खाना पीना खा के अब रेडी हो चुके हैं, अब जाने के लिए हम तैयार हैं। कहाँ पे, अभी पीछे प्याज लगाने वाले हैं, तो उसी का क्या है, सीड लाने जा रहे हैं, गाछी ले लीजिएगा, ललका साग और जिसको गाछी बोलते हैं, और फिर लहसुन लगाएंगे, और फिर धनिया, धनिया के बाद मिर्ची, पालक, पता नहीं कितने सारी चीज़ें होंगी। वो उसी दुकान पे जा रहे हैं लेने के लिए, उसको लगाने के लिए। तो अभी वहाँ पे तो पानी पूरा भर दिया, सुबह से पानी चल रहा था, और पानी चल रहा था, मोटर भी इतना गर्म हो गया क्योंकि मोटर कंटिन्यू कम से कम 5 से 6 घंटा चल रहा कर रहा है। गाड़ी का चाबी दीजिए आंटी, नहीं है पर उस साइड होगा, ये बवा लेके चल गया। नहीं वो क्यों लेके जाएगा, अरे यहीं पे रखे थे यार, ये रहा ना यहाँ पे। आई फाउंड इट, यस, दिस। कितना अजीब लग रहा है यार, बाल कटवाने के बाद पूरा साफ सुथरा, ना दाढ़ी ना मूछ, एकदम बिल्कुल क्लीन। उधर क्या कर रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है, पूरा पानी जो भरा हुआ था सूख गया है, यहाँ पे भी ये पानी, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी पूरा एकदम पानी, अभी कंटिन्यू चालू ही है। चलिए जल्दी चलिए, हाँ तो दलदल मतलब पूरा। अच्छा कल जो लिखे थे पुर्जी में, वो है तुम्हारे पास पुर्जी? हाँ है वो, चलो मेरे पास है, गेम हो रहा है पबजी। अंकल चलिए, ओह ये क्या हो रहा है, फ्लावर रस, ओहो फ्लावर कहाँ है इसमें, ये नहीं देखना। अच्छा पिएगा कौन इसे, पिएगा नहीं, पिएगा कौन तनु इसे, अरे पीना नहीं है तो शैम्पू बन रहा है, क्या करेंगे शैम्पू बन रहा है। अच्छा शैम्पू कौन लगाएगा फिर, कोई भी नहीं लगाएगा, कोई भी नहीं। तो ऐसे शैम्पू बनाने ही क्यों जिसको कोई ना लगाए, हम तो अंदर के लिए मजा के लिए। अच्छा मजे के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, बोलो क्या बोल रहा है, इधर 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 पानी आ रहा है ना। ओहो पानी देने आ रहा है तेरे को, नहीं सुबह में घूमे हैं, सुबह घुमाए थे ना हम, एक चॉकलेट, तुम आप बोली चॉकलेट, अभी चॉकलेट नहीं हटो, अभी ड्यूटी जा रहे, मार देंगे हम एक बार, एक को बार नहीं, अभी एक एक ना। ये बना रही है शैम्पू
फ्लावर का शैम्पू। गायत्री इंटरप्राइजेस, बिजली का काम यहाँ से कराना है। यहाँ तो पहले आ चुके हैं ना, हाँ वो जो अरविंद जी आए थे साथ में है ना, यहाँ आ चुके। अच्छा फ्रिज भी यहाँ मिलता है। अच्छा यहीं से फ्रिज गया है क्या अपना? फाइनली जो लाने गए थे वो लेकर आ गए। इसको रखिए ना वहाँ पे, अंदर रखेंगे। अच्छा अभी काटेंगे तो अभी लगेंगे, बारिश का मौसम है, बारिश से ज़्यादा पटा दिए। हाँ बंद कर दिया मोटर, दिन भर थोड़ी ना चलेगा। तो ये हम लाने गए थे प्याज। और ये हरा, और ये देखो ये लोग, ये शैम्पू से क्या है, इस खेत को नहाई है ये लोग है ना। ये उधर कैसे तो निकाल के ले आए, नहीं तो जाम में फंसे रहते हम। हाँ जाम बहुत था। फाइनली लेकर तो आ गए सभी चीज़ें। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको एक एक करके हाथ से डुबोएंगे, जैसे धान रोपते हैं उसी प्रकार से। जाम सोचे इतना था यार, पूछो मत। अगर उस जाम में फंसे रहते ना तो अभी तक नहीं निकल पाते, कैसे कैसे करके पता नहीं कौन से रास्ते से निकल के हाईवे पे निकल के लेके आए, तो जल्दी खासकर हम लोग पहुँच पाए यहाँ पे। पहले ले आए काटने वाला, कटर 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 कटर। पापा अभी रहने दीजिए, आएंगे तो काटेंगे। इतना काट दिया। हाँ और क्या, कई को होगा इतने में प्याज? कितना टाइम लगेगा? 4-5 महीना में हो जाएगा ना। और एक महीना में हो जाती तो, एक महीना में, एक दो महीना में तो ये तो ठीक है। और क्या इतना काट दीजिए, उतना इतना जेते ना सरिया में। हाँ 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 इतना, इसका क्या करेंगे, फेंकिएगा ना, इसका बन जाएगा वो सब्जी बनता। हाँ, है इसका सब्जी बनेगा। कितना मस्त लगेगा। छोटा कोची कोची डाल इसको, इसको इसको पन्नी में रखते हैं, यहीं रखते हैं। ठीक कटा लिया, दिखाइए। नहीं पापा प्लीज, ये तो कितना प्रोसेस है, कितना पिस्ता पछी नहीं पापा, हमको ये दीजिए ना बहुत। ये हो रहा है प्याज पापा प्लीज। ओ नहीं मार देंगे, नहीं बेटी नहीं, फिर बात मानो, हाथ लेटा जाएगा इसे। बात मानो तुम, नहीं नहीं करें तो हटो। ये लगभग पूरा हो गया, ये मस्त दिख रहा है अब। लो रख के आओ इसे। पापा इसी की पैर टूटे हैं ना, चालू हो गया पानी। हाँ एक में, दो में, तीन में हुआ है 3 kg। अभी ये पूरा खाली है, मीन्स दर 10 से ऊपर जाएगा, पानी अभी बह ही रहा है। फाइनली बहुत सारा काम करने के बाद अभी जाकर आराम तो नहीं कहेंगे, लेकिन बैठा हूँ अभी वो प्याज लगाते हुए। कैसे लगाते हैं प्याज, तो प्याज का समझो फार्मिंग हो रहा है, प्याज रोप रहे हैं वहाँ पे। अब देखो 6 महीने के बाद तो नहीं, 1-2 महीने बाद वो आ जाएगा है ना, बड़े बड़े प्याज इतने इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। सिर्फ उसको गाछी बोलते हैं, तो गाछी लगाया उन्होंने, आइडिया मैंने ही दिया था वैसे है ना लगाने का। पूरा उधर जंगल झाड़ था, मैं सोचा इस ज़मीन का उपयोग करें है ना, तो उस ज़मीन का उपयोग करके क्या है, प्याज उगाएंगे और खाएंगे। होली के समय में ये प्याज उग जाएगा। और अभी क्या है, मैं मार्केट गए थे कुछ सब्जियां लाने के लिए, सब्जियां लेकर आए, सब्जियां ख़त्म हो गई थी। और मकर संक्रांति आने वाला है, तो उस दिन भी दही का इंतजाम करना है, तो उसके लिए भी क्या है, दही लाने गए थे, दही कहीं नहीं मिला। और कुछ कुछ ऐसे सामान है जो मिला नहीं, 4-5 दुकान दही मिला, मिल गया क्या? अच्छा दही मिल गया, मुझे पता नहीं लगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में दुकान में ढूंढे तो 3-4 दुकान में नहीं मिल पाया। और बहुत सारे अभी है शेड्यूल मीटिंग, उसको कर लेंगे, उसके बाद अपना जो भी आगे का सीन है उसको देखते हैं आगे का क्या सीन है। फाइनली आज रात के अभी 12:15 हो गए हैं,
और अभी जाके अभी भी लगभग काम पूरा नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारा काम पेंडिंग है। और खाना पीना तो वैसे खा लिया था मैंने, क्योंकि मुझे पता था आज बहुत ज़्यादा ये है काम, और कल की तैयारी ही हो रही है पूरा, तो उसको टाइम टू टाइम करने के लिए आज तैयार करना ज़रूरी है। तो अभी तो हाल फिलहाल क्या है, बैटरी भी मेरा चार्ज नहीं था, बैटरी से तो मैं पूरा परेशान हो चुका हूँ। ना तो पावर बैंक चार्ज होता है, ना मेरा फ़ोन अच्छे से चार्ज, फ़ोन तो चार्ज होता है तो डिस्चार्ज जल्दी होता नहीं है। चार्जर जो है मेरा ख़राब है, कल मैं जाऊँगा एक नया चार्जर लूँगा, क्योंकि चार्जर टूट गया है इसी के कारण प्रॉब्लम होता है। तो कल एक चार्जर लेना ज़रूरी है, चार्जर लेने के बाद फिर उसके बाद कल बहुत जगह जाना है, उसको फिर मिलकर सभी लोगों को डन करना है, बताना है। और अभी तो फ़िलहाल चल रहा है वर्क, कब तक चलेगा ये पता नहीं है, है ना। कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है जो भी है।